हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन होता है अकाउंटिंग का। देखिए, सपोज करिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसका नाम ले दूं मैं रोहित। ठीक है, इसका नाम है रोहित। ये रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, इसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसको कुछ प्रोसेस करनी होगी। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होगी? वो प्रोसेस क्या होगी? देखिए, दो प्रोसेस होंगी। सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए इसको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस स्टार्ट जो इसने करा है वो क्या कैसे होंगे। जैसे कि देखिए, ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी उसने बिजनेस स्टार्ट करा है उसकी ट्रांजैक्शन क्या क्या उसको पता होनी चाहिए, कि उसको यह पता होना चाहिए कि जो भी उसने बिजनेस पे ट्रांजैक्शन करा है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन क्या क्या है। देखिए, जैसे कि प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको सबसे पहले क्या चीज लेकर आएगा बिजनेस स्टार्ट के लिए? गुड्स लेकर आएगा। ठीक है, अब जब ये गुड्स लेकर आएगा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी कि जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब वो क्या करेगा, दूसरी चीज ने क्या करा, एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करा। दूसरा उसने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करा। पहला तो क्या करा था, वो अपने बिजनेस के लिए गुड्स लेकर आया। ठीक है, सेकंड थिंग उसने क्या करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करी। अब हम लोगों को ये पता करना है कि उसने आइडेंटिफाई करा, उसको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो कि बिजनेस में आएगी। गुड्स लगा, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो भी अमाउंट उसने अपने बिजनेस के अंदर लगाया वो चीज होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये इलेक्ट्रिसिटी उसने अपने घर का खुद का करा है, ठीक है, अपने पर्सनल खर्चा है इसका, ठीक है, उसका पर्सनल यूज है, तो ये इसका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और ये जो उसने अपने बिजनेस के लिए उसने जो चीज लेकर आया है, ठीक है, जो गुड्स लेकर आया है, ये चीज क्या कहलाएगी, उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस तो ये हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसका, फर्स्ट चीज की हो गई हमारा, अब हम लोग चीज देखेंगे सेकंड। इसकी टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मनी टर्म्स। अब देखिए, अब जो उसने वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो वो मनी
अपने बिजनेस में लगाएगा, ठीक है, उसको मेजर करेंगे, करना ही मेजरमेंट ऑफ टर्म्स कहलाता है, ठीक है ना। सपोज करिए इसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, ठीक है ना, रोहित ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको कितनी तो अपने कोलीग को सैलरी देनी होगी, कितना उसको फर्नीचर लाना होगा या फिर गुड्स लगाने होंगे, ठीक है, कितना उसको रेंट पे करना होगा, ये सब चीजें मेजर की जाती है मनी टर्म्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट, सॉरी थर्ड पॉइंट हम लोग सीखेंगे रिकॉर्डिंग। देखिएगा रिकॉर्डिंग क्या होता है। रिकॉर्डिंग में अब जो ये रोहित है, ठीक है, रोहित ने कुछ प्रोडक्ट को खरीदा यानी कि परचेज करा, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट को सेल कर दिया, कुछ प्रोडक्ट को सेल कर दिया, ठीक है ना, और कुछ जो ट्रांजैक्शन है, कुछ प्रोडक्ट को उसने सैलरी दे दी, कुछ अपने कोलीग को सैलरी दे दी और कुछ की रेंट पे कर दिया, ठीक है। रेंट पे करने के बाद इन सब चीजों को वो क्या करेगा, एक बुक के अंदर लिखेगा, परचेज को परचेज बुक के अंदर लिखेगा और सेल्स को सेल्स बुक में लिखेगा, ठीक है। तो यही चीजें कहलाती है क्या, रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्डिंग एक बुक के अंदर होती है जिसे हम लोग सीखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जर्नल, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन, एक बुक है जिसे हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट सीखेंगे, क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में क्या होना है कि कोई भी अगर वो रिकॉर्डिंग वगैरह करता है, जैसे कि देखिएगा गुड्स को बेचा, पहले तो उसने परचेज करा, ठीक है, परचेज करने के बाद उसने उसको लिख दिया, सपोज करिए 5,000 रुपीज का उसने गुड्स परचेज करा, ठीक है, हो गया इसका काम। फिर उसने क्या करा, गुड्स सेल्स करा 2,000 रुपीज का गुड्स सेल कर दिया, ठीक है। फिर उसको जो भी उसने डीलर से लिया था, जैसे भी उसने जिस भी शॉपकीपर को या कस्टमर को माल को बेचा था, ठीक है ना, जो भी गुड्स को सेल आउट करा था वो उसने वापस से बेच दिया, ठीक है, फिर क्या हो गया, तो वो किस में लिखेगा, ठीक है, वो चीज भी होगी, वो चीज उसने माल को, मतलब जो गुड्स है उसने किसी और को दे दिया, वो चीज होगा डेटर्स, वो कौन होंगे, ठीक है, उसने लिखा 1,000 रुपीज डेटर्स को देने हैं, और क्रेडिटर्स को क्या होगा, क्रेडिटर्स को कहां पर जो क्रेडिटर्स से लेने हैं, ठीक है ना, वो हो जाएंगे 500 रुपीज, ठीक है। अब इन सब चीज को एक अलग अलग बुक के अंदर लिखना ही जो होती है वो क्लासिफिकेशन कहलाती है, ठीक है ना, वही चीज जो है वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। अब इसको लिखेगा ये परचेज बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ परचेज का ही खर्चा, परचेज ही चीजें, परचेज वाले ट्रांजेक्शन ही लिखेगा परचेज में, और सेल्स वाले में सिर्फ सेल्स वाले ही ट्रांजेक्शन
लिखेगा। डेटर्स के जो ट्रांजेक्शन सारे होंगे वो ट्रांजेक्शन सारे के सारे डेटर्स वाले अकाउंट्स के अंदर ही लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्रेडिटर्स के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो क्रेडिटर्स वाले कॉलम में ही लिखेगा। डेटर्स, ये डेटर्स लिख देता हूं मैं, और ये क्रेडिटर्स वाले कॉलम में ही लिखा जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो क्लासिफिकेशन कहलाती है, यानी कि हम लोग इसको अलग अलग चीजों में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ही चीजें कहलाती हैं जिसको हम लोग लिखते हैं एक बुक के में, जिसे हम लोग बोलते हैं लेजर, ठीक है ना। इस लेजर के अंदर जो भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं वो चीजें सिर्फ लेजर में ही करे जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी मैंने सिर्फ चार चीजें सिखाई हैं। एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस में, कौन कौन से ट्रांजेक्शन कहां कहां पर हो रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहे हमारे पर्सनल यूज के लिए हो रहे हो या फिर हमारे बिजनेस के लिए यूज में हो रहे हो। पर्सनल चीजों के लिए हो रहे हो तो उस चीज को हम लोग ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं काउंट करेंगे, और जो बिजनेस के लिए हो रहे हो ट्रांजेक्शन वो हम लोग सिर्फ ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। यही चीजें होती है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यही चीजें पता होनी चाहिए कि बिजनेस किस तरीके का है। सेकंड चीज, मेजरमेंट ऑफ मनी टर्म। मनी टर्म हम लोगों को ये चीज करना पता होना चाहिए कि मनी कहां कहां पर किस किस तरीके से खर्च हो रहा है। ये है हमारा मेजरमेंट ऑफ मनी टर्म्स। सेकंड हम लोग, थर्ड हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने सीखा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो होगी वो कौन कौन से, किस किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी। रेंट कहां पर जा रहा है, परचेज कहां पर जा रही है, सेल्स कहां पर जा रही है, और सैलरी किस किस को कितनी कितनी मिल रही है। और इसको हम लोग लिखते हैं जर्नल बुक के अंदर, ठीक है। अगर आगे हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब होता है हर एक चीज को, जो भी हम लोगों ने ट्रांजेक्शन को जनरल से हम लोगों ने करी है वही चीजें होती है, वही चीजें क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है। वो मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, वो होती है देखिए, जैसे कि पहले हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। इसको याद करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, कि जैसे कि हम लोग एग्जाम में आप लोगों के बुक के अंदर आएगा ये सब चीजें कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस किस तरीके से हम लोग पूरी बिजनेस की प्रोसेस को करते हैं। तो वो बिजनेस की प्रोसेस को करने का, याद करने का तरीका देखिए, ये हो गया आई, एम, आर और सी। आई मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। एम मतलब हो गया मनी टर्म्स, ठीक है। आर मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग। और सी मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चार चीजें हैं, जो चार चीजें हम लोगों को एक पूरी बिजनेस की प्रोसेस हम लोगों को बताती है। इन पूरी प्रोसेस में क्या क्या चीजें पूरे बिजनेस में होती है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे समराइज करना, ठीक है। इसके आगे आने वाला जो प्रोसेस है वो है समराइज करना, एस, और इसके आगे वाला आने वाला प्रोसेस है एनालाइज करना, ठीक है। और इसके लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ठीक है। ये मैं आप लोगों को, ये जो तीन प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को यहां पर तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।